नमस्कार। क्या आप स्पिरिचुअल हो? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इतना ही नहीं, लोग ये भी पूछते हैं कि क्या कोई एक ऐसा गुण है जो अगर किसी व्यक्ति में हो तो हम पक्का कह सके कि हाँ, यह व्यक्ति स्पिरिचुअल है। शास्त्र ये कहता है कि हाँ, ऐसा एक गुण है कि अगर वो गुण उस व्यक्ति में न हो तो वह व्यक्ति स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता। और वो जो गुण है, वह गुण है दया या मर्सी। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दया को धर्म का मूल कहा है। आप तुलसीदास जी का दोहा देखें, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण। याद रहे, तुलसीदास जी यहाँ पर ये कहते हैं कि किसी भी हालत में आखिरी सांस तक दया नहीं छोड़नी है, क्योंकि जैसे ही दया छूट जाएगी, आप कुछ भी हो सकते हो, आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। अब दया किस तरह से करनी चाहिए, और दया अपने और पराये में भेद नहीं देखती, मित्र और शत्रु में भी भेद नहीं देखती, यह दर्शाती हुई कुछ समय पूर्व घटित हुई एक अति मूल्यवान घटना मैंने अभी कुछ समय पूर्व पढ़ी। हुआ यूं कि 17वीं सदी में औरंगजेब की सेना ने आनंदपुर के ऊपर चढ़ाई की। जैसा कि हम सबको पता है कि औरंगजेब की सेना तकरीबन 4 to 5 टाइम्स थी गुरु गोविंद सिंह की सेना के सामने। उसी गुरु गोविंद सिंह की सेना में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कन्हैया। उसको लोग कन्हैया खालसा वीर के नाम से भी जानते थे। अभी जो कन्हैया था, उसको गुरु ने ये काम दिया था कि जो भी सैनिक युद्ध में घायल होता, उसको तुम्हें पानी पिलाना है। अब हुआ यूं कि कुछ समय के बाद जो युद्ध कर रहे थे, वैसे सिख सैनिकों ने ये देखा कि कन्हैया जो है वह दुश्मन सैनिकों को भी पानी पिला रहा था। तो युद्ध में जब विराम हुआ, तब उस सैनिकों ने जाकर गुरु गोविंद सिंह को शिकायत की कि यह कन्हैया तो सामने जो दुश्मन के जो घायल सैनिक है उनको भी पानी पिलाता है, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, एक तरह से चीटिंग कर रहा है सेना के साथ। तो गुरु गोविंद सिंह को आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने थोड़ा हंस के कन्हैया को बुलाया सबके सामने और पूछा कि क्या ये सच है? तो कन्हैया ने कहा कि हाँ गुरुजी, ये सच है, लेकिन मेरी दुविधा ये है कि जब मैं जाता हूँ वहाँ पर, आपने ही मुझे काम सौंपा है घायल सैनिक को पानी पिलाने का, लेकिन जब मैं वहाँ पर जाता हूँ तो कौन किस पक्ष में है वह मैं डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता। मुझे सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जो लेटा हुआ है उस व्यक्ति की वेदना, पीड़ा, दुख या चित्कार ही सुनाई देता है। जब कोई व्यक्ति पानी पानी कहकर चिल्लाता है, मैं ये देख ही नहीं पाता कि वो हमारी ओर है या शत्रु की ओर है। अब ये हो गया तो हो गया, तो आप मुझे ये बताओ कि या क्या ऐसा करना कोई अपराध है? क्या मैंने कुछ गलत किया? गुरु गोविंद सिंह ने मुस्कुराकर और अति प्रसन्न होकर ये कहा कि नहीं, तूने जो भी किया वो ठीक किया। किसी घायल व्यक्ति को मददरूप होना, वही तो सबसे बड़ा सत्कार्य है, वही सबसे बड़ी गुड डीड है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वह व्यक्ति अपना है या पराया है। तेरे अंदर दया जग गई, और जिसके हृदय में दया जग गई उसके लिए क्या अपना क्या पराया। एक बात याद रख, अब नेक्स्ट टाइम जब तू जाए तो पानी के साथ तू मलहम भी ले जाना, और कोई घायल दिखे तो उसके ऊपर मलहम भी लगा देना। ये है दया का स्वभाव, और इस व्यक्ति को कहते हैं स्पिरिचुअल व्यक्ति। सिर्फ तीर्थ यात्रा को घूमना, मेडिटेशन करना,
मंत्र जाप करना या फिर पाठ पूजा करना, उसको दया नहीं कहते, उसको स्पिरिचुअल व्यक्ति भी नहीं कहते। शास्त्र ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ तीर्थ यात्रा पर जाना, मंत्र जाप करना, पाठ पूजा करना या मेडिटेशन करना, उससे ही व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं हो जाता। आदमी स्पिरिचुअल होता है जब उसके अंदर दया का गुण विकसित होता है। आदमी मर्सीफुल हो जाए तभी समझना चाहिए कि वह स्पिरिचुअल हो गया। और इसी बात को समझाते हुए संत मुलकदास जी ने एक दोहा लिखा है, वह दोहा कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। मक्का मदीना द्वारका बद्री और केदार, मक्का मदीना द्वारका बद्री और केदार, बिना दया सब झूठ है, बिना दया सब झूठ है, कहे मलुक विचार। शुभम भवतु, प्रणाम।